हेलो एवरीवन, वाइट सॉस पास्ता का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। क्रीमी और चीज़ी पास्ता किसको अच्छी नहीं लगती है। बच्चे हों या बड़े, पास्ता सभी को अच्छा लगता है। पास्ता तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाकर देखिए। आपके बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इसे बनाने की। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेन इन्ग्रीडियंट पास्ता को बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी लिया है, इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक अच्छा बॉयल आने पर इसमें हम अपनी पास्ता को डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और इसे हिलाते रहेंगे और बीच बीच में हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से बॉयल हुई है या नहीं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम अपनी सब्जियों को सौते कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम बटर डालेंगे। इसमें हम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें कटी हुई बीन्स डालेंगे, जिसे 1 मिनट तक हम चलाएंगे। इसमें हम अपनी कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कॉर्न मीट ऐड करेंगे। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारी सब्जियां सौते हो गई हैं। इन्हें हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब हम इसी कढ़ाई में ही वाइट सॉस बनाएंगे। इसमें हम बटर डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे। मैदे को हम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है और थोड़ी सी थिक भी हो गई है सॉस। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और पास्ता सॉस ऐड करेंगे और हम इसमें चीज़ डालेंगे। यह होममेड चीज़ है। होममेड चीज़ घर पर कैसे बनाएं, इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप इसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने पहले भी डाला हुआ है तो हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हमें कितना सॉल्ट डालना है। अब इसी सॉस में हम अपने सौते वेजिटेबल डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। अब इसमें हम अपनी पास्ता को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि सॉस थोड़ी सी थिक है तो आप इसके अंदर पास्ता का वाटर या फिर मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे सुपर टेस्टी चीज़ी पास्ता बनकर तैयार है। इसे यहाँ पर मैंने काले तिल से गार्निश किया है। तिल टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गारंटी है आपको यह ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।